दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन की गूंज अंतर्राष्ट्रीय हलकों में सुनाई देने लगी है। 2 महीनों से ज्यादा वक्त से पता चल रहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ यह आंदोलन कई रंग ले चुका है। गणतंत्र दिवस के दिन निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा ने आंदोलनकारियों के लिए हालात मुश्किल कर दिए हैं, लेकिन किसान संगठन अभी भी अपनी मांगों को लेकर दृढ़ है। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा के जींद में हजारों किसानों के साथ महापंचायत की, जिसमें उन्होंने आंदोलन के जरिए सरकार पर और दबाव बनाने की बात कही है। किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में बुधवार को हरियाणा के जींद में हजारों किसानों की मौजूदगी में महापंचायत हुई है, जहां पर टिकैत और दूसरे किसान नेताओं ने आंदोलन को ज्यादा जोश के साथ जारी रखने की हुंकार भरी। टिकैत ने यहां किसानों के बीच सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो उसके लिए सत्ता में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन स्थलों को दिल्ली पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग कर घेरे जाने पर भी आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किले ठुकवाए, तार लगवाए, लेकिन ये चीजें किसानों को नहीं रोक पाएंगी। राजा जब डरता है तो किलेबंदी करता है। मोदी सरकार किसानों के डर से किलेबंदी करने में जुटी है। चलिए आपको सुनाते हैं राकेश टिकैत ने क्या कहा। मेरा पंच बदले जाएंगे, उन्हीं पंचों से ये फैसला होगा, उनमें से हम भी एक हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है, जब जब राजा डरता है अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई, और एक किले तो लाल किले के दीवार से भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट से भी गाड़ी गई थी। कहा है वो किला, कहा है किले का गेट, उससे किले गाड़ी गई थी। किसान लेकर गया था उसको, लेकर जाए आप पंजाब के लोग लेकर जाएंगे, सोरम के अंदर लेकर जाएंगे। जो किले गाड़ी गई है, सोरम खाप पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे। पूरे तख्ते को उखाड़ कर और आप खाप पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे। वो दिखाया जाएगा आने वाले 400 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था। उन तख्तों को पाड़ कर लेकर जाएंगे हम। ये खाप पंचायत ने निर्णय कर लिया भागी कि उनको लेकर जाएंगे और सोरम के चौपाल में उनको रखेंगे। उनकी हिम्मत ये किले गाड़ कर रखोगे, अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा, उसके ऊपर पूरी जनता जाएगी। वो दिन दूर नहीं, हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले, अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी से कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। न कमेटी के सरपंच बदले जाएंगे, न कमेटी का ऑफिस बदला जाएगा, न हम युद्ध में घोड़े नहीं बदलते, उन्हीं घोड़े का नहीं जाएगी। हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए। आपको दिल्ली कोच करने की अभी जरूरत नहीं, आप स्टैंड बाई में रहेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप गुस्सा हमें दे दो। जिस दिन वो आंसू पड़ा, अगर उस दिन हमने आग लगाई, अगर उस दिन आग गणतंत्र दिवस था, उनको तारीफ करने का काम करेगा। हम 35 साल से लड़ाई लड़ रहे, हम हर बार कहते हैं कि हम पार्लियामेंट से जाइए, वही पार्लियामेंट से नहीं गया। लेकिन पहली बार अगर सोच नहीं रहेगा तो आप हाथ आ गए,
आप इस पंचायत का समर्थन करें।